सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका भाई आ चुका है फाइनली, बहुत टाइम के बाद भाई माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की वीडियो लेके। तो भाई साथ का जो आपको पता ही होगा, ये पहले भी लॉन्च हुआ था, फिर वापसी बंद हो गया था क्योंकि उसमें इश्यूज वगैरह आ रहे थे। तो अब भाई फाइनली इसको ना मतलब सिर्फ पी के नहीं कन्वर्ट कर दिया गया, लाइक सिर्फ ना मतलब जैसा ही ये हो गया। अगर अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो गए ना, आपको पता होगा जैसा मैजिक गेम्स था ना, लाइक वैसा इसको कर दिया गया है। सिर्फ पॉकेट एडिशन वाले खेल सकते हैं, जावा वगैरह वाले अलाउ नहीं है इसमें। और ओपी भी कर दिया, मतलब आप एंड तक देख रहे हैं, एक एक चीज़ दिखाऊंगा, मतलब ओपी वाला मज़ा आने वाला है। सो इस पे मैं सीरीज भी कंटिन्यू करूंगा जैसा मैजिक गेम में खेलते थे, आपको पता ही होगा। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते, बाकी चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। और आईपी पोर्ट आपको ना मैं डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, सो देख लेना वहाँ से। तो चलो बिना किसी देरी के सीधा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो भाई सबसे पहले तो वीडियो को हम सीधा स्टार्ट ही कर दिए। अब तो भाई यहाँ पे तो मैं मतलब ना थोड़ा हब में था, यहाँ पे देख रहे हो मैंने भाई 3D टेक्सचर पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है वाला टेक्सचर पे, तो टेंशन वाली बात नहीं है, अपना डिस्कॉर्ड पे जाना, शॉप वाले सेक्शन में ना मैं इसको अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सको। सिंपल सा है और अच्छा भी है, नॉर्मल टेक्सचर पे के लैग वैग भी नहीं होगा आपका माइनक्राफ्ट। तो हाँ, और ये वाला ना लाइक आप सर्वर खेल सकते हो, आपको ना माइनक्राफ्ट का वर्जन 1.19.50 के अराउंड चाहिए शायद, या 50 प्लस, लेकिन 50 भी होगा चल जाएगा इजीली। तो हाँ मतलब लेटेस्ट वर्जन ही एक तरह से समझ लो। तो बाकी भाई ये रेसिपी वगैरह थी, लिटरली मैं भूल चुका था भाई, पॉकेट माइन वाले सर्वर्स, मैं पॉकेट माइन कह रहा हूँ, मतलब मैं भूल चुका था भाई पूरा ही तना के ना। मतलब भाई यकीन मानो पॉकेट एडिशन मैंने एक अरसे से नहीं खेला, वो मोबाइल के अंदर ही अब जावा के ही तना खेल लेते, तो भाई मैं लिटरली भूल चुका हूँ इसके कंट्रोल वगैरह सब मैं भूल चुका हूँ। मैंने AC भाई पता नहीं कौन से कंट्रोल का ये ले लिया था, तो मैं उस पर खेल रहा था। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसकी वीडियोस आती रहेंगी ना, लाइक और भी मैंने एक दो सर्वर देखे हुए हैं पॉकेट के ना, मतलब मैजिक गेम्स जैसे ही हैं, सो उन पर भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो मज़ा आएगा, मुझे बताना कि भाई आपको मतलब और भी सर्वर्स की चाहिए वीडियोस के, लाइक और कोई ऐसा सर्वर हो जिसको ना खेलने में मज़ा आए, जो भाई पॉकेट एडिशन वगैरह खेलते हैं उनके लिए, तो कमेंट में बता देना। और अगर आप भी कोई सर्वर खेलते हो, आपको अच्छा लगता हो, आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो उसका भी कमेंट में ना IP और पॉड दे देना मुझे, या फिर मेरे को DM कर देना डिस्कॉर्ड पे, तो दिक्कत वाली बात नहीं, आपका भाई वीडियो बना देगा। और भाई ये रेसिपी लिटरली मुझे समझ नहीं आ रही थी इसकी, मतलब क्या ही रेसिपी थी, अजीबो गरीब, मतलब अजीबो गरीब तो नहीं, मैं अब इतने टाइम के बाद आया हूँ तो मतलब मुझे नहीं समझ आ पा रही थी ना यार कि क्या रेसिपी है क्या नहीं। सो हाँ, और भाई मिनियन तो यार कुछ भी कहो भाई, लगते बहुत क्यूट है, सो भी वो भी दिखाऊंगा भाई। और किट्स वगैरह भी आप ले सकते हो, OP वो भी सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और इसकी YT रिक्वायरमेंट भी बहुत ही लो है, सो वो भी आप देख सकते हो कितनी रिक्वायरमेंट है कितनी नहीं। उसके लिए भी इनके सर्वर का डिस्कॉर्ड लिंक मैं दे दूंगा, डिस्कॉर्ड हाँ डिस्कॉर्ड का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो इनका भी डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, मेरा भी कर लेना। और आप ये स्लैश किट लिखोगे तो यहाँ देखो किट आ जाएगी, सबसे लास्ट में आती है मिनियन किट। सो इसमें आपको तीन टाइप के मिनियन मिलते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक एक मिलता है आपको, कौन सा मिनियन है ये वाला, हाँ अगर हम देखें तो भैया जी हमारा फर्स्ट वन मिनियन जो है, चल भाई अब दिखा भी दे, मैं थोड़ा ना समझ नहीं पा रहा था, देख रहा हूँ ये एंड स्टोन है और ये सैंड है और ये ऑकवुड है, और एक मिला है मैं सुपर एक्सपेंडर, मतलब जो मिनियन का एक्सपेंडर होता है, समझ गए होगा आप। तो मतलब ये भी फ्री में मिल रहा है, बुरा तो नहीं है भाई। और अगर आप स्लैश किट अगेन से करते हो, लाइक अलग अलग टाइप के ना किट्स हैं, मंथली किट्स और वो, और यहाँ पे भाई मैंने सेड लाए हुए थे, बस थोड़ी मस्ती मस्ती चल रही थी, शान भाई आए हुए थे अपने तुन से। और यहाँ पे देखो ये मास्क करके किट थी, मास्क वाली किट में मतलब सीन ऐसा था, आपको ना क्रीपर हेड और जोम्बी स्केलेटन हेड वगैरह मिल जाते हैं, और ये रहे अपने शान भाई फुल सेंटा बने हुए, देख रहे हो मतलब अलग ही लेवल, ये सेंटा बने हुए। और मैंने जो अपना कैरेक्टर बनाया वाला, एक वो भी सर्दी की थीम पे, ये विंटर की थीम पे, मतलब सर्दी वर्दी लग रही है बंदे ने, देख रहा हूँ मतलब विंटर की थीम पे ही मैंने बनाया, मतलब स्किन उठा के लगा ली थी, क्योंकि भाई मैंने बिल्कुल अभी जस्ट पॉकेट एडिशन डाउनलोड किया था और पहला भाई जौन सा टेक्चर पे मुझे मिला, बस मैंने उसको लगाया और न्यू अपना लॉगिन डाला इसमें, और मैंने कहा चलो वीडियो रिकॉर्डिंग मारते हैं। सो हाँ, और देखो आइलैंड बनाने आओ ना, मैं आपको ये भी बता दूँ, सबसे पहले तो देखो आपने यहाँ पर अपना नाम डालना है, ओके मैं अपने नाम से बनाता हूँ, सकते हैं गेमर्स आइलैंड करके लिख देते हम, ठीक है।
सो यहाँ पहले मुझे लगा मैंने गेमर्स में ना आई थिंक 2 डाल दिया, लेकिन वो जेड ही था क्योंकि अपना ना इसमें थोड़ा सा अलग सा लगता है। तो थोड़ी बोल लो सॉरी भाई लोग, तो यहाँ पे ना बीच वाला आइलैंड मत लेना, उसमें थोड़ा सा गिलीच वगैरह चला, बेसिक वाला आइलैंड लेना वो सही रहेगा। मैंने लिया था उसमें ना मेरा गिलीच आ गया था, तो इसलिए बीच वाला आइलैंड मत लेना, बस सिंपल सा लेना अपना नॉर्मल जो बेसिक होता है। और देख लो भाई क्या ही प्यारा लग रहा है, लाइक मैं 3D वाला टेक्चर पर यूज़ कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है आपको, आई थिंक सो आपको अच्छा ना लग रहा भाई, मुझे तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था 3D देखने में ना। लेकिन यार आप जानते ही होगे आपका भाई ये फुल प्रोफेशनल प्रो प्लेयर भाई, मुझे भाई देखो पसंद है एक से एक टेक्चर पैक लगा के। अगर आपने को नहीं पता तो जाओ मेरी एकदम पीछे की मैजिक गेम्स की वीडियो देखो, मैंने एक से एक टेक्चर पैक भाई यूज़ किए पॉकेट एडिशन में, और अपने विंग्स वगैरह यूज़ किए, मतलब नहीं मैंने क्या क्या कस्टम चीज़ें यूज़ की हैं आपकी सोच भी नहीं होगी भाई लिटरली। मतलब मेरे को शौक था ना, लाइक पॉकेट एडिशन ही में खेलता था जब और वीडियोज़ भी बनाता था, तो भाई मैं एक साथ 20-20 10-10 टेक्चर पैक शेडर पता नहीं क्या क्या लगा के खेलता था, मतलब अलग ही लेवल का मैं ना नशेड़ी इंसान था। तो हाँ मतलब समझ रहे हो ना आपके भाई का लेवल ही अलग था, मतलब मुझे अच्छा लगता था एक से एक टेक्चर पैक में ना। लेकिन अब तो भाई मैं भूल ही गया कैसे लगाते थे कैसे नहीं, ये भी बस मैंने गलती से लगा लिया, तो चलो दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें मेरे को दिख रही थी भाई, और यहाँ पे मुझे हेट पड़ा, मैंने कहा कौन आ गया, तो भाई ये ओनर भैया अपने सस्ते नशे करके, मतलब सस्ते नशे करके आए थे, और यहाँ पे इन्होंने भाई ये दी। और यहाँ पे ना आई थिंक 3 मिनट के अंदर चीज़ें डिस्पॉन हो जाती शायद से, मुझे कंफर्म नहीं पता। और इन्होंने ना भाई वो दिया था ये देखो मिनियन माइनर करके था, लाइक ये मुझे याद थी चीज़ें ना, मैंने मैजिक गेम्स में भी देखी हैं आई थिंक देखी हैं ये, मतलब आई थिंक ये ऐसा ही होता था, ऐसा नहीं मैं भूल गया भाई लिटरली। और ये और जनरेटर था, इससे ये होता लाइक हम लगाते ना इसमें और स्पॉन होता रहता है, लेकिन एक ही ब्लॉक का होता है लेकिन होता रहता है। ऐसे मैंने भाई और अपने आइलैंड पे मैजिक गेम में भाई भर के लगाए हुए थे, वो भी एमरल्ड वाले, क्योंकि एमरल्ड ना थोड़ा महंगा बिकता था। और भाई लिटरली यकीन मानो हम डेली के ना इतने एमरल्ड बेचते थे भाई, मिलियन मिलियन में पैसे होते थे। मुझे अपने भाई पुराने दिन याद आ रहे थे लिटरली, मैंने मैजिक गेम से ही अपना YT शुरू किया था। सो हाँ बाकी ये ऐसे वर्क करता है, तो ये रहा सीन हो गया अपना डन। और हाँ मुझे बताना इस पर भी एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊँ या नहीं, YT वगैरह आई थिंक मैंने इस पर बनाई है या नहीं बनाई मुझे सही से याद नहीं, तो आप लोग बता देना, अगेन से बना लेंगे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाँ यही वाला सीन था। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो भाई ये ऐसे करके लगाना है, मतलब ऑनर भाई मुझे बता रहा था कि ऐसे लगाने, इतनी भाई मुझे सच्ची में नहीं पता चल रहा, मैं भूल गया था मतलब, तो मैंने ना इसको यहाँ पे लगा दिया था, फिर हमारे शान भाई ने इसको यहाँ से उठाया था क्योंकि यहाँ पे नहीं लगाना है इसको, ये गलत तरीका है। सो उन्होंने हमें ना सही से लगा के दिखाया, लाइक ऐसे लगाना है जहाँ पे इसका मुंह होता है ना उसके सामने, और आपने लगा देना है। सो ये ना वर्क करना स्टार्ट कर देगा, देखो यहाँ पे और जनरेट होगा और ये उसको तोड़ देगा, देख रहो मतलब सिंपल है ईजी है। और इसका जो सामान है आपके पीछे ना, आप एक चेस्ट लगा देना, मैंने पूछा था भाई इसका सामान कहाँ जाएगा ना, तो उन्होंने बता दिया था कि ये पीछे जो चेस्ट है उसके अंदर सामान जाएगा। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, सो ये आ गई चेस्ट और यहाँ पे आ जाएगा सारा सामान, तो ये देख रहे हो डायमंड भी आना शुरू हो गए। तो ये सीन था सिंपल सा, तो उसके बाद भाई ये हो गया था अपना डन, ठीक है। और यहाँ पे सामान आ रहा था, तो मैंने कह दिया था ओके नाइस हो गया, क्योंकि भाई ये लिटरली मैंने बहुत टाइम बाद खेल रहा था तो मुझे भाई याद नहीं था कुछ भी। सो आहिस्ता आहिस्ता अब देखो खेलता रहूँगा ना पॉकेट एडिशन, तो अच्छे से अपने को याद हो जाएगा सब कुछ, कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। देख रहे हो ऑटो माइनर करके, जो कि ओपी था भाई लिटरली। और अभी हम पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद देखेंगे इन्हें कितना कमाया कितना नहीं, सो ओपी वाला और भी सीन हो जाएगा। और आपको अगर कुछ सेल भी करना है तो आप स्लेज सेल हैंड करोगे आपका हो जाएगा, जो भी चीज़ हैंड में होगी आपके वो सेल। तो ये भी कमांड थी। और यहाँ पे दो तरह की है, कस्टम वाली भी टेबल आप ओपन कर सकते हो, वनीला की जो नॉर्मल होती है वो भी। तो यहाँ मैंने नॉर्मल की थी क्योंकि हमें ना स्टिक बनानी थी, और हमें बनानी थी एक पिकेक्स, क्योंकि भाई हमारा मतलब बेसिक वाले जो टास्क होते हैं ना वो करने थे, सो इसलिए यहाँ पे मैंने बना ली थी एक पिकेक्स। सो पिकेक्स से हमें 3 कोबल स्टोन माइन करने थे, हमारा टास्क था स्टोन तोड़ने थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी से हम 3 स्टोन को तोड़ लेते हैं। हमने फर्स्ट वन अपना स्टोन तोड़ लिया था और सेकंड वन ये रहा, और उसके साथ में ये अपना थर्ड भी, तो 3 हो जाएंगे डन। ये भी हो गया डन, और ये वाला भी अपना मतलब जो होता टास्क वो भी डन हो गया था। न्यू मिला था हमें, उसमें बनानी थी हमें स्टोन पिकक्स जो कि एकदम नॉर्मल था, क्योंकि अपने ऑलरेडी स्टिक और स्टोन पड़ा हुआ है, सो हम इजीली बना लेंगे ना ये वाला मतलब पिकक्स भी। सो ये भी हो जाएगा अपना डन, ये बन गए पिकक्स, सो देख रहो ये भी हो गया डन। तो सॉरी भाई लोग वॉइस ओवर की, सो हाँ ये भी हो गया था डन। अब उसके बाद हमें बनाना था उस तरफ का रास्ता,
सो वो भी मैंने बना लिया था। और उसके बाद भाई ये देख रहो, मतलब वो बनाया नहीं था, अभी बनाना था। ये हमारे शान भाई ने ना मैं ये वाली स्वॉर्ड दी थी, जो कि पता नहीं इसका नाम क्या था, गॉड शॉट था आई थिंक, जिससे भाई लाइटिंग वगैरह हो रही थी। और एक तो बकरी भाई मुझे नहीं पता क्यों इतना चीख रही है साली, मैं क्या ही करूँ भाई इनका। खैर अब चीख रही है तो चीख रही है भाई, चीखने दो, खैर वाली बात, अब तो आपको भी आदत सी हो गई होगी। सो हाँ ये हो गया, तब नडन और भाई ये लड़ती रहती है, उसका शोर यहाँ पे आता, मैं क्या करूँ। अब मैं हैंड फ्री में लगाता हूँ, वो वाली आवाज़ आपको अच्छी नहीं लगती। अब एयरपोर्ट में भाई शोर आता बहुत ज़्यादा, सब एडजस्ट कर लेना ठीक है। और भाई ये वाली शॉट मुझे बहुत प्यारी लगी, एंड शॉट ना, लाइक ये एक तरह से अपना एस्पेक्ट ऑफ दी एंड थी, जिससे आप टेलीपोर्ट हो सकते हो इजीली, जो कि बेस्ट वाला सीन है। और आपको ये स्टार्टर टूल भी मिल जाते हैं आपके आइलैंड पे, देख रहो मतलब ओपी वाला सीन है। सारी चीज़ आपको मिल जाएगी जब आप न्यू न्यू आओगे। और यहाँ पे एक मिनियन भी मिल जाएगा आपको कॉबल स्टोन का, जो कि न्यू न्यू आते हो तो जब मिलता है, वो वाला सीन था, तो यहाँ पे मैंने ले लिया था। और आपको मैं दिखाऊँ तो भाई मिनियन मतलब लगते बहुत प्यारे ना, छोटे छोटे से मतलब क्यूट से लगते हैं ना, लाइक इनमें ना मिनियन, तो देख रहे हो ये देख रहे हो, मतलब अलग ही लगते हैं, मतलब इनको देखो ना अलग ही अच्छा सा फील आता है। सो हाँ तो यहाँ पे मैंने भाई गलत मिनियन लगा दिया था, ऑग गोट का मिनियन। और उसके साथ साथ मैंने कहा चलो अभी जोन सा भी लग रहा है लगने दो, लाइक ये अपग्रेड वैसे ही होते हैं आपके पैसों से, और पैसे कमाने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, सिंपल सा चीज़ें बनाओ और बेचते रहो हाथ के हाथ, सो पैसा ही पैसा होगा। तो हाँ ये वाला सीन था। सो मैंने भाई ऐसे ही एलू मेलू करके सारे मिनियन जस्ट लगा दिए थे कि आपको ना वीडियो में जस्ट दिखा सकूँ कि हाँ भाई ये मिनियन है ये नहीं। तो यहाँ पे सारे मिनियन हो गए, तो अपना लास्ट बनता है कॉबल स्टोन, तो ये भी मैंने इसी पर प्लेस कर दिया था जस्ट दिखाने के लिए। और यहाँ पे ये था भाई जेरी आइलैंड वाइलैंड, और यहाँ से आप अपने कोस्ट वगैरह देख सकते हो क्या है क्या नहीं। सो हम इसको स्कीप मारते, अब यहाँ से निकलते अपना हब में। सो भाई मैं हब में आया था, ये अपना बैंक है जो कि होता है हर किसी में बैंक, ओके। और यहाँ पर आप इजीली अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे अपने पे 2K पड़े हुए थे, हमने वो कर दिए थे डिपॉजिट। सो ये इजी पीजी हो गया था अपना डिपॉजिट, तो अभी यहाँ से निकलते हैं हम। और भाई ये देख रहा हूँ मतलब ये थंडर वाली रोड बोल लो सॉरी, ग्रैपलिंग हुक के भी भाई अलग ही लेवल के, मतलब अच्छा सा लग रहा था ना ग्रैपलिंग हुक भी यूज़ करना। और ये अपना ऑक्शन हाउस वगैरह, और ये लाइटिंग शॉट देख लो, मतलब भाई थंडर थंडर सा हो जाता लाइटिंग लाइटनिंग वगैरह। और यहाँ पे भाई मैं ऑक्शन हाउस लिटरली भूल गया था कि मतलब ऐसे में ना कैसे पहले करते थे क्रिएट, तो मुझे तो भाई लिटरली याद नहीं, मैं भूल चुका हूँ। आप लोग मुझे बताना कमेंट करके क्या होता था कमांड्स वगैरह ना, लाइक पहले हम हैंड में लेके कमांड डालते थे, सो उससे ऑप्शन क्रिएट होता था भाई, लेकिन अभी मैं भूल चुका हूँ लिटरली, क्योंकि भाई मैंने ये करते थे पॉकेट एडिशन नहीं खेला। आज ही बस मैंने कहा वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को एक बंदे का बहुत कमेंट आ रहे थे भाई पॉकेट एडिशन खेलो पॉकेट एडिशन, और शान भाई का सर्वर भी रिलीज़ हो गया था पॉकेट के नहीं है। तो मैंने कहा चलो नेकी और पूछ पूछ, सो आपका भाई आ गया वीडियो लेकर आपके लिए, दिक्कत वाली बात नहीं है बाबा जी। सो अब बढ़ते हैं यहाँ से भी, और यहाँ पे आप अपने ऑर्ड्स वगैरह कुछ भी सेल करना चाहो इजीली सेल कर सकते हो। और यहाँ से आप किट्स वगैरह ले सकते हो, जो कि आपने देखा होगा हाई पिक्सल में, यहाँ से हम बी पेड बाय करते हैं, लेकिन आप इससे यहाँ से किट्स वगैरह ले सकते हो। और यहाँ पे हमें आर्मर वगैरह मिल गया था फ्री का, जो कि ओपी वाला सीन है। हाँ तो भाई सॉरी, तो यहाँ पे देख रहे हो अपने भाई सारी चीज़ें हमने पहन ली थी, तो ये हो गया था डन। और गोल्डन एप्पल को खाते ही भाई अपने को फालतू के हार्ट्स वगैरह मिल गए थे, एबिलिटीज़ मिल गई थी, जो कि और भी ज़्यादा वाला ओपी सीन हो गया था। और यहाँ से आप शॉप थी ये स्काई ब्लॉक वाली, स्पॉनर वगैरह आप ले सकते हो यहाँ से, वूल्स वगैरह जो भी आपको चाहिए, गिलास डाई वाई इंचाइंटेड वगैरह जिस चीज़ की आपको नीड है आप यहाँ से वो ईजिली बाय कर सकते हो भाई। इनके बहुत ज़्यादा प्राइस थे सेल वर्ड और ये वो, तो मैंने कहा अभी के लिए इसको छोड़ देते। और मैंने अभी पैसे नहीं लिए थे शान भाई से, वरना मैंने आपको ये भी टेस्ट करके दिखा देता, मेरे को याद नहीं रहा। चलो कोई नहीं, अब हो गया तो सो हो गया। सो अब बढ़ते हैं यहाँ से अपना फार्म की तरफ, बढ़ते क्या ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ। सो ये फार्म तो अपना यहाँ से कैरेट और वीट वगैरह आप ईजीली तोड़ सकते हो, और इनको भी सेल करके पैसे बना सकते हो। सो हाँ, और उसके बाद शान भाई ने हमें सेंटा के बाद टेलीपोर्ट कर दिया था, ये सेंटा की लोकेशन है इधर आओ, उस पर क्लिक करो ये आपको रिवॉर्ड देगा फ्री के। सो अभी ये वर्क नहीं कर रहा था, मे भी कल तक वर्क कर जाएगा, क्योंकि भाई मैंने इस पर क्लिक किया, इनने अपने को तो कुछ भी नहीं दिया। तो खैर कोई ना, अभी बढ़ते हैं माइन की तरफ, आपको माइन भी मैं दिखा देता हूँ ओपी वाली। तो भाई ये हम बढ़ते हैं, ये अपना कॉल वाली माइन थी, हम सीधा चलते हैं आगे की तरफ जो गोल्ड और आयरन वाली होती है। और यहाँ पे ना लाइक देखो, आपको कभी ऐसा लगे कि भाई आगे क्यों नहीं जा रहा, सो देखो इसमें वैसे जंप करके नहीं जा रहा था, आई थिंक ये सीधा टेलीपोर्ट कर देता है,
एक दो सेकंड बाद तो हम यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुके थे, तो ये शॉप वगैरह थी इनको हम छोड़ देते हैं, हम सीधा मेन माइन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे भाई शान भाई आई थिंक सर्वर वगैरह कुछ अपडेट वगैरह कर रहे थे, देख लो मेंटेनेंस पे जाने वाला था, सो मैंने कहा रुक जाओ भाई अपनी मैं वीडियो तो पूरी कर लूँ उसके बाद मेंटेनेंस करते रहना, सो इसलिए मैंने कहा बस ये जल्दी से आपको ना माइन वगैरह दिखा देता हूँ ताकि फिर मैं वीडियो एंड कर सकूँ, वरना मैं और भी चीज़ें आपको दिखाता, लेकिन अभी के लिए इतना ही रखेंगे। और अगर हम देखें अपने मिनियन ने कितना वर्क कर लिया, सो मतलब ठीक ठाक वर्क कर लिया, तभी नहीं किया लेकिन नॉर्मल है। सो फिर भाई क्या करते हैं, बस करते हैं वीडियो को। सो बस भाई लोग आज की वीडियो में ये था, वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताना, और चैनल भी नहीं है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए बढ़िया बढ़िया और मज़ेदार वीडियोस लाता रहता है। यार क्या बात कर दी आपने। सो हाँ, और भाई हो सकता है एक दो दिन बाद अपना स्काई ब्लॉग की भी वीडियोस आ जाए, तो मतलब अभी वर्क तो चल रहा है, अब देखो क्या सीन है क्या नहीं, तो उस पर भी बना दूंगा। ओपी वाला सीन है, मुझे बताया दोस्त ने कि डार्क ऑक्शन वगैरह सब कुछ ऐड हो चुका है, सलियार वगैरह ऐड हो चुके हैं, सो देखना पड़ेगा जब रिलीज़ होगा पूरे तरीके से तो मैं वीडियो बना दूंगा। और ये वाला स्काई ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताना, और ये भी बताओ सीरीज इस पर कंटिन्यू करूँ, और मुझे बताओ और कौन सा मैं सर्वर कह लूँ पॉकेट एडिशन का, तो उसकी आईपी और पोर्ट मुझे डिस्कॉर्ड पे डीएम कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा इस पर। और जाओ अपना डिस्कॉर्ड जल्दी से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे गिव अवेज वगैरह होते रहते हैं, और इनका भी डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, दोनों का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आईपी पोर्ट भी मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे कल, अपना ख्याल रखना भाई लोग, टाटा बाय बाय।